हाय गाइस, हाय। तो मैं हूं स्वप्ना, आप लोगों को स्वागत कर रही हूं मेरे चैनल कर्ली तड़का में। व्हाइट सॉस मैक्रोनी बनाने के लिए मैं यहां पे ले रही हूं 1 कप मैक्रोनी, गाजर, कैप्सिकम, ब्रोकली, ऑनियन, गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली। तो चलिए इसको हम अच्छे से काट लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम होने के बाद उसमें आप जो चॉप करके मैं जो रखी थी गार्लिक एंड ग्रीन चिली एंड ऑनियन है तो उसको हम डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हमारे पास जो कटा हुआ वेजेस है उसको हम डाल के ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर के लिए पका के उसको हम निकाल सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम अभी नमक डाल देंगे एंड अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो ब्लैक पेपर भी डाल दीजिए। तो एटलीस्ट 5 to 7 मिनट तक फ्राई कीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा बन गया है। मैं इसको निकाल देती हूँ अभी। तो एक कढ़ाई ले रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर ये बटर डाल रही हूँ। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 स्पून मैदा, क्योंकि आप इसको थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के अच्छे से इसको एक पेस्ट बनाइए। थोड़ी देर मैदा को हम फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मिल्क डालेंगे एंड हम इसको थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको हम एक थिक पेस्ट बनाएंगे। साइड में मैं एक ये बाउल ली हूँ, गर्म पानी हो गया है तो इसमें ये मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ एंड इसमें आप सॉल्ट डाल सकते हो। तो इसको ये देखिए, ये हमारा बॉईल हो गया है तो इसको हम छान लेंगे एंड इसको हम थोड़े से ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पे 500 ml का एक दूध का पैकेट यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिला के ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया है। तो इसे पेस्ट में मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ एंड ये मेरे पास ये पास्ता मिक्स है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे, इससे हमें एक बेटर टेस्ट मिलेगा। तो इसी वजह से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास ये चिली फ्लेक्स है, मैं उसको भी ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा पकने के बाद हमारे पास ये जो मैक्रोनी है तो उसको हम डाल देंगे। तो व्हाइट सॉस मैक्रोनी जो है ये सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, आप इसको बहुत इजी एंड सिंपल प्रोसेस से बना सकते हैं। तो यह हम मैं यहाँ पर ये जो वेजेज है ऑलरेडी फ्राई करके रखी हूँ उसको हम मैं डाल रही हूँ। तो दोनों को अच्छे से मिला देंगे हम। तो देखिए ये हमारा जो मैक्रोनी है एंड ये व्हाइट सॉस के साथ कितने इजी प्रोसेस से ये बन गया है। तो इसको और थोड़ा बेटर टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ओरिगानो, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। तो ये हमारा बन के रेडी है, हमारा व्हाइट सॉस मैक्रोनी। तो अब आप इसके अलावा आप इसके पास्ता के साथ ये बना सकते हो। अब इसको लंच में, ब्रेकफास्ट में या फिर आपके हिसाब से आप डिनर पे इसको खा सकते हो। तो देखिए ये कैसे बन के हमारा रेडी है। तो ज़रूर घर पे आप ट्राई कीजिए एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।